गाइस अ वेरी गुड इवनिंग गाइस, पोजेशन का न्यू टॉपिक है। और गाइस, अभी तक मैंने जितना भी अपलोड किया है, सो मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि मैं एक से दो वीडियोस में ज्यूरिसप्रूडेंस कंप्लीट कर दूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। सो मैंने कल भी ये बोला था कि, और मैं सारे भी वीडियोस में बोल रही हूँ कि मुझे आपके सजेशंस चाहिए। इफ़ यू हैव एनी स्पेशल रिक्वेस्ट, एनी स्पेशल क्वेश्चन, सो प्लीज आप मैसेज करो। आई विल प्रोवाइड द वीडियो कंटेंट एज पर योर डिमांड, एज पर योर रिक्वेस्ट, बिकॉज वॉट एवर आई एम डूइंग गाइज, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड फॉर यू ओनली। सो मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरे वीडियो से सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, इस तरीके के मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। सो टिल देन, मैंने अभी तक आप मैंने आज के कंटेंट में मैंने पोजेशन का मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद आई थिंक ओनरशिप एंड वन मोर टॉपिक एंड दैट्स इनफ। फिर उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे मूव करूंगी गाइज। एंड होप सो आप लोग बैक टू बैक अपने MCQs और तैयारी MCQs प्रिपेयर कर रहे होंगे। और साथ ही साथ गाइज, जो UGC नेट के एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ पेपर वन पे भी फोकस करिए। पेपर वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू पेपर टू। तो ये मैंने सारे वीडियोज़ में बताया था जब UGC नेट के क्रैश कोर्स की सीरीज में करवा रही थी। प्लीज़ फोकस ऑन योर पेपर वन एंड पेपर टू बोथ। सो स्टार्ट करती हूँ मैं पोजिशन का पार्ट। ओके गाइज, दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशंस। फिर जितना भी रेलिवेंट कंटेंट है, डेफिनेशन, फ्रेजेस, आइडियम्स, जितने भी हैं, मैं सभी कुछ इसमें इंक्लूड की हुई हूँ। सो इट्स बेटर यू कैन टेक डाउन द नोट्स और वॉट एवर यू वॉन्ट, बट आई वुड सजेस्ट आप लोग नोट्स ले लो सो दैट आपको हैंडी रहे और आपको ईजिली रिमेंबर हो सके, मतलब आप ईजी तरीके से आप उसे देख सको। सो नो एक्सप्लेनेशन, जैसा मैंने वीडियो से बताया है, ये सिर्फ क्रैश कोर्स है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ आयरिंग गाइज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। आई हैव नॉट कवर्ड ऑल द डेफिनेशंस, वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट, ओनली दैट डेफिनेशन आई हैव कवर्ड इन माई कंटेंट। सो प्लीज मेक श्योर कि इन डेफिनेशंस पे आप ज्यादा फोकस करो, एटलीस्ट इन डेफिनेशंस में आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे जनरली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में कि व्हाट इज पोजेशन इन लॉ इन रोमन, मतलब रोमन लॉ में इन्हें क्या कहते हैं। सो मैंने उसे भी इंक्लूड किया हुआ है। ओके गाइज, देन एलिमेंट्स को कवर किया है। गाइज यहाँ पे मैंने बुलेट्स में नहीं डाला है, अगर आप देखोगे तो दिस वन इज डिफरेंट, कॉर्पस एंड एनिमल्स। सो ऑन कॉर्पस की मीनिंग आपको बॉडी ऑफ द पोजिशन है एंड एनिमल्स की बॉडी, एनिमल्स की मीनिंग इंटेंशन टू होल्ड। सो प्लीज इसको मिक्स मत करना। मैं जैसा बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बुलेट्स का थोड़ा सा मिस हो गया था, सॉरी फॉर दैट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक सही तरीके से आप नोट डाउन करो। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट डेफिनेशन, सो टेक इट डाउन। ओके गाइज, सो अगेन नेक्स्ट डेफिनेशन। गाइज आप देख रहे हो कि मैं डेफिनेशन पार्ट एक अलग अलग पूरे स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट एकदम सब कुछ क्लियर। अगर आप किसी छोटे से डिवाइस में, मोबाइल में भी देख रहे हो, सो दैट इट विल बी ईजी कि आप उन्हें आसानी से पढ़ सको। इस वजह से मैंने सारे वीडियोज इस तरीके से बनाए हैं कि आप किसी भी डिवाइस में आप उसे देखो, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेक इट डाउन और उसमें आप पढ़ सको आसानी से। अगेन नेक्स्ट डेफिनेशन, ओके नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइस, दिस इज अ केस, इंपॉर्टेंट केस लॉ। और यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने फैक्ट, इशू और हेडिंग तीनों ही कवर किया है। और इशू में और हेडिंग में आप देखोगे तो साथ ही साथ मैंने जस्टिस का भी नाम मेंशन किया है, क्योंकि जस्टिस का नाम इस केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन जो है वो आपको हेल्डिंग पार्ट देखना है कि क्या हेल्ड हुआ था। सो इस वजह से मैंने सिर्फ केस का नाम प्रोवाइड नहीं किया कि आपको बाहर जाके सर्च करना पड़े, मैंने यहाँ पर ही एक रॉ तरीके से एक जस्ट प्रोवाइड कर दिया कि क्या फैक्ट्स थे, क्या इशू है एंड क्या हेल्ड हुआ था। सो इट्स बेटर कि आप भी इस तरीके से नोट्स बना लो या बुलेट्स में, वॉट एवर यू वॉन्ट, मतलब जिस तरीके से आपको सुटेबल हो आप उस तरीके से नोट्स बना सकते हो। ओके गाइज, सो नेक्स्ट पार्ट, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, सुपरिंटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंस लीगल अफेयर्स केस।
सो इट्स ऑल रिलेटेड टू पोजीशन गाइस. गाइस पिछला वाला केस भी पोजीशन से रिलेटेड था, दिस वन इज ऑल्सो रिलेटेड विद पोजीशन. ओके सो लास्ट पार्ट इन द वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड वेरी रिसेंट केस लॉ, जहां पर पोजीशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म, इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है वो यूज की गई है. पोजीशन इज इंडीड 9/10 ऑफ लॉ. सो ये लाइन आपको इन जनरल पोजीशन में आपको हर क्वेश्चंस में मिलेंगी. क्वेश्चंस आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं. तो ये मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट कंटेंट करवा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि क्लैट एस्पिरेंट्स एक्सेप्ट यूजीसी नेट जितने भी रिसेंट मतलब एग्जाम्स होंगे सभी में, अगर मैं बात करूँ रिसेंट लीगल डेवलपमेंट की, तो इस क्वेश्चन का आना 99% कंफर्म है, क्योंकि ये पोजीशन से रिलेटेड है एंड इट्स अ वेरी वेल नोन केस. इट्स अ अयोध्या डिस्प्यूट केस जिसमें क्लियरली जजेस ने पोजीशन इज इंडीड 9/10 ऑफ लॉ का को मेंशन किया था. सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस. सो आई थिंक दिस इज एनफ, और आई डोंट थिंक आपको इससे ज्यादा पोजीशन का कंटेंट और जरूरत होगा, उसका रिक्वायरमेंट होगा. स्टिल इफ यू फाउंड कि अगर मुझे आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग है मेरे वीडियोस में, सो प्लीज प्रोवाइड मी दैट. सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशन जो है वो मेरे रिसेंट वीडियो में प्रोवाइड करो, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट. एंड टिल देन गाइज टेक केयर, बाय बाय.